नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। प्रदेश सरकार जल्द शुरू करेगी मुख्यमंत्री सुशिक्षा योजना, इन बच्चों को मिलेगा वित्तीय लाभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक नई पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुशिक्षा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता को उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य दो विशिष्ट आयु समूहों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं और विकलांग माता पिता को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 1,000 रुपए का मासिक अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले बच्चों को ट्यूशन और छात्रावास का खर्च वहन करने के लिए भी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नवंबर में भी सितंबर जैसी गर्मी, सोलन और धर्मशाला में अधिकतम तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में सर्दी के मौसम में भी अधिकतम तापमान के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ठंड के महीने में नवंबर में भी सितंबर जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। रविवार को सोलन व धर्मशाला में अधिकतम तापमान के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इन दोनों स्थानों पर नवंबर का अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सोलन में 29 और धर्मशाला 27.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इससे पहले शनिवार को ऊना, सोलन, केलांग, कांगड़ा में अधिकतम तापमान के पुराने रिकॉर्ड टूट गए थे। इन क्षेत्रों में अभी तक का नवंबर में सबसे अधिक पारा दर्ज हुआ। एनटीपीसी की 5वीं यूनिट बंद, घटा 210 मेगावाट विद्युत उत्पादन, यूपी दिल्ली समेत 8 राज्यों में बिजली आपूर्ति प्रभावित। एनटीपीसी परियोजना की 210 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली 5वीं यूनिट के ब्यायलर ट्यूब में रिसाव होने के बाद इसे बंद कर मरम्मत शुरू कर दी गई। एनटीपीसी परियोजना की 210 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली 5वीं यूनिट के ब्यायलर ट्यूब में रिसाव होने के कारण इसे बंद कर मरम्मत शुरू कर दी गई। एनटीपीसी प्रबंधन की ओर से इसे ठीक कर इस यूनिट को संचालित कर विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू करने की बात कही जा रही है। 12 सितंबर को परियोजना की यूनिट संख्या 5 को वार्षिक मरम्मत के लिए 35 दिनों के लिए बंद किया गया था। हिमाचल को नए वर्ष में मिलेंगे 2061 वन मित्र। हिमाचल प्रदेश को नए वर्ष में 2061 वन मित्र मिलेंगे। इन पदों को भरने के लिए जिला स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके ऊपर शीघ्र अमल होने की संभावना है। ये कमेटी वन विभाग को मिले आवेदनों की पड़ताल करेगी, जिसमें से नए वन मित्रों का चयन किया जाएगा। वन विभाग को इन पदों को भरने के लिए 70,000 से अधिक आवेदन मिले हैं, यानी छटने के बाद आवेदकों को ग्राउंड टेस्ट सहित अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गत 22 अक्टूबर को हुई मंत्रिमंडल बैठक में वन विभाग में 2061 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की गई थी। भैयादूज पर खुली एचआरटीसी की फ्री सेवा की पोल, बहनें देखती रह गईं और चालक दौड़ा ले गए बसेस। भैयादूज पर बहनों के लिए पथ परिवहन निगम की फ्री बस सेवा जी का जंजाल बनकर रह गई। नादौन क्षेत्र के विभिन्न बस ठहराव पर महिलाएं बस के इंतजार में खड़ी रहीं, लेकिन निगम के ड्राइवर्स ने महिलाओं को देखकर बस रोकना तो दूर बल्कि बस की स्पीड और बढ़ा दी। बस के लिए घंटों जद्दोजहद के बाद कई बहनें तो निजी बसेस में यात्रा करके भाइयों के पास पहुंची, तो कई बहनों को महंगी टैक्सी सेवा का सहारा लेना पड़ा। भाई बहन के प्यार का प्रतीक ये पर्व बहनों के लिए साल में एक बार आता है और इस दिन भी बहनों को जाने के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। जहरीली हवा की गिरफ्त में ऊना, AQI लेवल 122 तक पहुंचा। दीपावली पर्व पर हुई जमकर आतिशबाजी से आबो हवा खराब हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बढ़कर 122 पहुंच गया। पटाखों की जहरीली गैस से हवा में प्रदूषण फैल गया, जिससे सांस लेना दूभर बन गया। ऐसे में सांस के रोग के मरीजों को काफी दिक्कतें पेश आईं।
यही नहीं, रात के समय आसमान में धुंध की चादर देखी गई। जिला ऊना में दिवाली पर्व पर लोगों ने करोड़ों रुपए के पटाखे चलाए। 31 अक्टूबर व 1 नवंबर की रात लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स 122 पहुंच गया। हालांकि ऊना साधारण AQI लेवल 100 के करीब रहता है। पटाखों से निकलने वाली जहरीली गैस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में हवा में काले रंग के गुब्बारे ही दिख रहे थे। पटाखों से निकलने वाली जहरीली गैस से हवा में प्रदूषण फैल गया। जहरीली गैस से AQI लेवल बढ़ गया। बरसा नादौन के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे CM सुक्खू। जन समस्या सुनने के बाद करेंगे लोगों से संवाद। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 और 5 नवंबर को बड़सर और नादौन विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। प्रवास कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सोमवार 4 नवंबर को शाहतलाई के हेलीपैड पर उतरने के बाद दोपहर करीब 1 बजे चकमोह पहुंचेंगे। चकमोह में वो सलौनी दियोट सिद्ध सड़क के चौड़ीकरण के कार्य का भूमि पूजन, बड़सर शाहतलाई सड़क के सुदृढ़ीकरण का उद्घाटन और लोक निर्माण विभाग के नए उपमंडल बिझड़ी का शुभारंभ करेंगे। बुलंद हौसले के साथ 4200 मीटर की ऊंचाई से बचा लाए जिंदगी। क्रैश लैंडिंग में घायल हो गया था सर्बिया का पैराग्लाइडर। समुद्र तल से 4200 मीटर की ऊंचाई पर फंसे सर्बिया की पैराग्लाइडर पायलट मिरोस्लाव प्रोडोनोविक को बचाना किसी चुनौती से कम नहीं था। एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन कुल्लू मनाली की टीम बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ी और 4200 मीटर की ऊंचाई में फंसी जिंदगी को बचा लाई। कांगड़ा जिले के बीच बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट से कल उड़ान भरने वाला सर्बिया का पैराग्लाइडर पायलट मिरोस्लाव प्रोडोनोविक शुक्रवार को रास्ता भटककर मनाली के रोहतांग से सटे पतालसू जोत इलाके में पहुंच गया था। क्रैश लैंडिंग के चलते उसके पांव में फ्रैक्चर हो गया था। हिमाचल में 15 से क्रिकेट का धूम धड़ाका, टीम्स पर होगी पुरस्कारों की बरसात। हिमाचल प्रदेश में 15 नवंबर से क्रिकेट का धूम धड़ाका शुरू हो रहा है। पहला पुरस्कार 21 लाख रुपए का होगा। उपविजेता टीम को 11 लाख और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 5 लाख रुपए मिलेंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बीएड में एडमिशन के लिए पात्रता शर्तों में छूट प्रदान करने के बाद काउंसलिंग। बीएड की खाली सीटों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा एडमिशन के लिए पात्रता शर्तों में छूट प्रदान करने के बाद अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने रविवार तक प्रवेश के लिए आवेदन करने का मौका दिया है। भीषण अग्निकांड में मकान जलकर हुआ राख, लाखों रुपए का नुकसान। थाना क्षेत्र नादौन के अंतर्गत पुतड़ियाल पंचायत के रक्कड़ गांव में भीषण अग्निकांड में एक मकान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। मिली जानकारी के मुताबिक घटना के समय गांव के बलदेव सिंह का पूरा परिवार त्योहार होने के कारण घर पर ही था। हिमाचल की वंशिका गोस्वामी ने अंडर-19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। हिमाचल प्रदेश के मुक्केबाज वंशिका गोस्वामी ने अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित वर्ल्ड यूथ मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 80 किलो से अधिक वजन वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस चैंपियनशिप का आयोजन 23 अक्टूबर से 3 नवंबर तक हुआ, जिसमें वंशिका ने फाइनल मुकाबले में जर्मनी की खिलाड़ी गट्टी को नॉकआउट के जरिए हराकर इस चैंपियनशिप में प्रदेश का पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। हिमाचल में कांग्रेस सरकार खस्ताहाल, केंद्र की योजनाओं के भरोसे प्रदेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को समीरपुर स्थित आवास पर स्थानीय जनता से भेंट की और अपनी कुलदेवी माता अवाह देवी की पूजा अर्चना कर सर्व कल्याण की कामना की। पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई, हेरोइन और चरस के साथ 2 गिरफ्तार। पुलिस ने हेरोइन और चरस की खेप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पहले मामले में बाहंग इलाके में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान भजोगी इलाके के एक व्यक्ति को शक के आधार पर पूछताछ के लिए रोका। इस दौरान तलाशी से उसके कब्जे से 6.40 ग्राम हेरोइन और 15.43 ग्राम चरस बरामद हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।